महिला अबला नहीं सबला है। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हम किसी से कम नहीं का एहसास करवा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुए समारोह में महिलाओं ने ही ऐसे साहस से परिचित करवाया। स्टेशन रोड स्थित काले घोड़े चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सेवानिवृत्त आईएएस एवं सांसद पत्नी श्रीमती सूरज डामोर के आतिथ्य में समारोह का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती डामोर ने कहा, महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं रोज है, महिला आद्य शक्ति स्वरूपा है। समारोह में परिषद से जुड़ी छात्राओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर में महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दौड़ एक दौड़ परिधियों के पार को लेकर आयोजित हुई। सुबह कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के खेल परिसर से प्रारंभ हुई दौड़ को एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, संयुक्त कलेक्टर शिराली जैन, खेल अधिकारी रूबिका दीवान ने झंडी दिखाकर प्रारंभ की। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली दौड़ पुनः कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर समाप्त हुई। दौड़ में करीब 200 युवतियों ने भाग लिया। निगम ने 50 माइक्रोन प्लास्टिक के उपयोग और विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके शहर में इस प्लास्टिक का प्रचलन हो रहा है। निगम लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ इस्तेमाल होने पर कार्रवाई कर रहा है। सोमवार को निगम अमले ने धानमंडी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 3.5 क्विंटल प्लास्टिक जब्त की। निगम ने स्पॉट फाइन कर दुकान सील करने की चेतावनी भी दी। निगम स्वच्छता प्रभारी APCA ने एन टाइम्स को बताया। किस तरह का फाइन लिया जा रहा है? माननीय नगर निगम प्रशासक एवं कलेक्टर महोदय एवं हमारे नगर निगम आयुक्त महोदय के आदेशानुसार हम 50 माइक्रॉन से कम प्लास्टिक जब्त करके इनके स्पॉट फाइन काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आज भी रूटीन निरीक्षण में पाया गया कि संजय महेश्वरी जी के दुकान में जो धान मंडी में है, यहाँ पे 3.5 क्विंटल अमानक प्लास्टिक 50 माइक्रॉन से कम जो है, जो प्रतिबंधित है, वो पाई गई। इन पे हमने 3.5 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया है और 5,000 इनका जुर्माना किया है। और यदि दोबारा इसमें प्लास्टिक फिर से पाई जाती है तो इनकी दुकान सील कर दी जाएगी। सर, कहाँ कहाँ कार्रवाई होगी और कितने दिन तक कार्रवाई चलेगी? पूरे सिटी में कार्रवाई चल रही है। अभी तक हमने करीब 100 से ऊपर लोगों के पे कार्रवाई कर दी है और ये जो भी बचे मिल रहे हैं इन पे भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है और ये निरंतर चलती रहेगी। फाग की होली पर चढ़े मस्ती के रंग के साथ फाग महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जगह जगह फाग उत्सव के आयोजन कर गीतों व भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। फाग उत्सव में फूलों और सूखे रंगों से होली खेली जा रही है। फागुन मास को लेकर उत्सवी माहौल बना हुआ है। रविवार को पुराने कलेक्टोरेट स्थित गुलाब चक्कर परिसर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। जनमंच ग्रुप के उत्सव में भजनों की प्रस्तुति दी गई। फाग उत्सव में श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। उत्सव के दौरान फूलों व सूखे रंगों से होली भी खेली गई। रिंगनौद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई में ग्राम डोढ़र में देव व्यापार में 8 महिलाओं सहित 7 पुरुषों को ग्राम डोढ़र से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक कोरोना महामारी को गंभीरता से लेते हुए हर बार बाछड़ा ढेरों पर जाकर समझाइश दी गई, पर बार बार पुलिस को ग्राम डोढ़र में देव व्यापार की सूचना मिल रही थी। रविवार को मिली पुख्ता सूचना पर पुलिस कप्तान गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें ग्राम डोढ़र से 8 महिलाएं और 7 पुरुषों को देव व्यापार में लिप्त पाया गया। सभी को हिरासत में लेकर देव व्यापार का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कार सहित आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। राजनीतिक आयोजन निपटने के बाद नेताजी थकान उतारने में लग जाते हैं और स्वागत की हुई तैयारियों के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए स्वागत मंच बनाए गए थे, बाद में नेता और आयोजक पार्टी के झंडे सड़क पर छोड़कर ही चलते बने। 3 दिनों से सत्ताधारी पार्टी के झंडे काले घोड़े स्टेशन रोड की दुकानों के बाहर इधर से उधर उड़ रहे हैं। परेशान दुकान के संचालक भी पैरों से खिसकाकर दुकान खोलते हैं। बावजूद इसके पार्टी के सम्मान के प्रतीक झंडे को एकत्रित करने की नेताओं को फुर्सत नहीं मिली, जो अब टिकट के चक्कर में व्यस्त हो गए। कोरोना के दौरान की गई सेवा आज हर एक के लिए सम्मानीय है। इसी उद्देश्य से संगीत को समर्पित संस्था सुर साधक संगम ग्रुप ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। रविवार की शाम लॉयंस हॉल में हुए एक संगीतमय शाम कोरोना योद्धाओं के नाम यादगार साबित हुई। मुख्य अतिथि महेंद्र गादिया एवं मुबारक आरआर खान ने कोरोना योद्धाओं डॉक्टर प्रभाकर ननावरे, डॉक्टर गौरव बोरीवाल, डॉक्टर प्रमोद प्रजापति, डॉक्टर संजय दुबे, डॉक्टर अवधेश अवस्थी, डॉक्टर सुधाकर शर्मा, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर योगेंद्र सिंह चाहर, डॉक्टर अतुल कारुंगो, डॉक्टर शिवानी सिन्हा, श्रीमती मीना सिसोदिया, सिस्टर स्वाति मसीह, संजय जोशी, एम्बुलेंस चालक कांतिलाल, मोहम्मद जाकिर खान का सम्मान किया। समारोह में संस्था से जुड़े सुर साधकों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियाँ दी। श्री गुज्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण जी के जन्मोत्सव पश्चात श्री गुज्जर समाज युवा इकाई द्वारा देव नारायण जी का जलवा पूजन का कार्यक्रम धबई जी का वास स्थित श्री देव नारायण मंदिर पर आयोजित किया गया। जलवा पूजन कार्यक्रम के तहत पंडित श्याम कुमार सांवरा के विशेष पूजन एवं मंत्रोच्चार के साथ भगवान श्री देव नारायण जी का अभिषेक किया गया। महिलाओं द्वारा कलश में शुद्ध जल भरने के साथ ही जल के कलश पर क्षेत्र एवं गुज्जर समाज की महिलाओं द्वारा स्वास्तिक बनाया गया और भगवान को गुलाब के पुष्प अर्पण किए गए। पान एवं सुपारी से मुख श्रृंगार किया गया। जल के कलश में पुष्प अर्पण करने के पश्चात महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाया। श्री गुज्जर समाज युवा इकाई के अध्यक्ष मुरलीधर गुज्जर द्वारा भगवान को चांदी का नजर बट्टू पहनाया गया, जिससे भगवान बुरी नजर से बचे रहे। जलवा पूजन कार्यक्रम पश्चात भगवान की आरती की गई। आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया।